हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे हो गए, मस्त स्वस्थ हो गए। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल के अंदर आएगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या आइडिया हम लोग लगा के जा सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज होने वाले हैं, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे कहने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्विस मैथमेटिशियन थे, दैट इज जेम्स बर्नौली, जिसने इस लॉ को यूज किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया। क्यों उस लॉ को यूज करने की जरूरत पड़ी या फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत पड़ी, हम सिंपल भी निकाल सकते थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसका नाम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी पड़ा। 1700 के अंदर उसने फॉर्मूला लॉन्च किया अपना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज क्यों करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसी रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्यों बाइनोमियल का यूज होता है, क्या ऐसी कंडीशंस हैं या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जब हम बाइनोमियल का यूज करेंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं कि कहाँ पे ये ट्रायल फेल हो जाता है उसके बारे में। फेल इन द सेंस कि किन किन कंडीशन के अंदर ये नहीं लगेगा, वो भी होंगी ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है, सबसे फर्स्ट कंडीशन निकल के आती है, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसका मैं अगर एग्जांपल बताऊं, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, टू टाइम्स कॉइन्स आर टॉस्ड या टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड। आप कहोगे सर फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड तो हमने डिस्कस सिंपल वे से भी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था, करेंगे तभी बताऊंगा ना क्यों इसका यूज पड़ा। अगर आपके पास आ जाए 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितनी बार हेड आएगा, तो 2 की पावर 10, क्या 1024 आउटकम बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे ना, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस करी, पहली प्रॉपर्टी, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स। अब जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जहां पे मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई है। दूसरी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, ट्रायल शुड बी आप कह सकते हो स्मॉल या फाइनाइट बोल सकते हैं, या फाइनाइट बोल सकते हैं। देखो पहली और दूसरी लाइन का मतलब सेम है, यहां पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट। यहां पे एक चीज ऐड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, यानी कि जब एक ट्रायल हो रहा है, दूसरा ट्रायल जो है वो उसका डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, जो हमने डिपेंडर और इंडिपेंडेंट की वीडियो में देखा कि एक ट्राई किया जा रहा है वो किसी दूसरे ट्राई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, देयर शुड बी एग्जैक्ट टू आउटकम्स। एग्जैक्ट दो ही आउटकम होने चाहिए। अब वो दो आउटकम से मेरे कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि चार बोले निकाले, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। आउटकम्स का मतलब है कि पी और क्यू, अगर किसी के होने के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसकी सक्सेस के बारे में बात की जा रही है, तो उसके फेलियर के बारे में भी बात की जाए, यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पड़ी है। तो नेक्स्ट एक चीज और यहां पे थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स जो है वो इतने ज्यादा ह्यूज भी ना हो कि उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए, जो कि फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो स्मॉल काउंटेबल हम इसको लिख सकते हैं आइडिया के लिए, ठीक है ना। प्रॉपर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो शायद ही बुक में आपको देखने को मिलेंगी। फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल हो, बुक में हमेशा लिखा हुआ है कि फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स आर देयर, दैट मीन्स हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं। लेकिन यहां पे मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स हो, वो एक स्मॉल काउंटेबल नंबर हो, जैसे कि 10 कॉइंस आर टॉस्ड, 20 कॉइंस आर टॉस्ड। अगर आ गया 1000 कॉइंस आर टॉस्ड, वहां बाइनोमियल का यूज नहीं, हम पॉइजन का कहीं ना कहीं यूज करेंगे, अलग अलग
चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल काउंटेबल है, निकल इससे भी जाएगा बट कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, है ना। तो अब फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स, नेक्स्ट जो एक आइडिया ध्यान में रखना है अपने माइंड के अंदर, कहां ये वाला यूज होगा, हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा सेम रहे, ट्रायल की प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल, सक्सेस की लगा लो या फेलियर की लगा लो, क्योंकि अगर सक्सेस की मिल गई तो फेलियर की वन में से माइनस कर देंगे, तो या तो सक्सेस की आ जाए या फेलियर की आ जाए, प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक कॉइन उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगली बारी 2/3 हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो उन केसेस के अंदर, अब ये तो ही बुकिश की थोड़ी सी बातें, इस चीज को छोड़ के कौन कौन से ऐसे आइडिया जो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखने हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, एक स्पेशल नोट ध्यान में रखना, जहां पे आपको दिखे काउंटेबल है, ये मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन है आपको, जहां पे आपको दिखे एक स्मॉल काउंटेबल नंबर आ रहा है और पी और क्यू अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू देके जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास है, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की 1/2, एक की 1/2 है, दूसरे की 2/3, कुछ भी आपस में आसपास है, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 0.5 है, ऐसा हो जाए, और एक की प्रोबेबिलिटी 0.10 × 0 × 1, ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक 0.2 है, एक 0.9 है, बहुत रेयर देखने को आपको ऐसा मिलेगा, रेयर देखने को मिलेगा, इस चीज पे हाईलाइट कर लेना। तो नियर अबाउट सेम वैल्यू लेके यहाँ पे जाने वाले हैं। सबसे पहला रूल, देयर शुड बी द फाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रायल्स, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक पार्ट है ये, ट्रायल शुड बी फाइनाइट एंड इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जैक्ट टू आउटकम्स सक्सेस और फेलियर आने ही चाहिए, कंफर्म है, फाइनाइट नंबर यानी कि स्मॉल काउंटेबल होगा, प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम, सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है हर बार हर ट्रायल के अंदर सेम होने वाली है, ऐसा नहीं है बदलेगी, प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम इन द ईच ट्रायल, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेम एग्जिस्ट कर रही होगी। अब यहां पे ये तो हमने बात की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे लग सकता है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, एग्जाम्पल से समझाऊंगा और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, फॉर्मूला की एक बार बात कर लेते हैं। यहां पे फॉर्मूला यूज होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेस टू पार आर एन क्यू रेस टू पार एन माइनस आर, ठीक है, सारी शीट सब कुछ सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। यहां पे इस फॉर्मूला से मेरा कहने का मतलब क्या है, एन जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को, आर मेरे पास रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है, आर मेरे पास रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है, जैसे मान लो 10 कॉइन उछाले गए, हमें कहता है 5 बार हेड आ जाए, तो एन आपका 10 हो गया, 10 बार कॉइन जा रहे हैं, रैंडम वेरिएबल 5 हो गया, 5 वैल्यू होगी कि हमें 5 ही हेड चाहिए, ठीक है ना, जहां पे पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, वेयर क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और सी सिंपल कौन है, कॉम्बिनेशन, जो हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ना, कॉम्बिनेशन कंप्लीट हम काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहां पे x इज इक्वल टू r क्या शो कर रहा है कि रैंडम वेरिएबल की कितनी वैल्यू हमें चाहिए, 5 चाहिए थी ना, तो यहां पे x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा कि मुझे 5 हेड चाहिए, इसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कह दो, ठीक है, जहां पे हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर बार बार पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करेंगे, बट मैं यहां प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि यहां p ऑफ x का यूज होता है, f ऑफ x का नहीं, क्लियर, ये चीज अभी बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, उसके बाद आ जाते हैं कि यहां पे एक छोटा सा नॉट भी निकल के चला जाता है, जहां पे ये एज इट इज एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले एक पॉइंट अभी डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीन फॉर्मूला, जब फॉर्मूला की ही बात कर रहे हैं, तीन फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्कस किया था ना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है,
मीन यहां पे होता है दैट इज म्यू एन पी, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरियंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दैट इज एन पी क्यू, वेयर क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो एन पी क्यू का रूट, दैट इज वेरियंस का रूट। ठीक है, तो जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, फॉर्मूला ऑफ वेरियंस, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप कहोगे सर दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर, डेफिनेटली कर सकते हो यार, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई डेफिनेटली कर सकते हो। पर अगर 10 कॉइन्स को टॉस किया गया, क्या मैं एक्स आई पी आई की मल्टीप्लाई कर करके 10 बार उसकी एडिशन करूंगा क्या? इतना टाइम होगा क्या एग्जाम में? तो पहचानेंगे किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वो मैं सिखाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ दो। लाइव क्लास के अंदर हर चीज डिस्कस करने वाले। तो मीन हो गया, वेरियंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। एक चीज यहां पे छोटी सी और नोट करेंगे, ये एज अ एमसीक्यू बन सकता है, इसको अपने माइंड में ध्यान रखो, याद रख लो जैसे मर्जी। जब भी प्रोबेबिलिटी इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज इक्वल टू 1/2, जब भी ये इक्वल टू 1/2 हो, मींस 50-50% है, तो इसको बोला जाता है सिमिट्रिकल, इसको बोला जाता है सिमिट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल इसका नाम है, जो कि एज एमसीक्यू आ भी सकता है, रेयर चांस है, पर मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नॉट इक्वल टू फेलियर हो, अब आप कहोगे सर ये सेम वैल्यू नहीं, आसपास की बात हो रही थी ना, एग्जैक्ट इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, 50-50% है, तो सिमिट्रिकल। एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड अ टेल, फेलियर एंड अ सक्सेस इज इक्वल टू 1/2, दैट इज अ सिमिट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, 50-50 चांसेस है। अगर इक्वल ना हो दोनों, तो इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका क्वेश्चन के अंदर कुछ खास यूज नहीं है, एज अ डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए हम ध्यान रखेंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इक्वल ना हो तो ये नाम है, इक्वल हो और 1/2 के इक्वल हो तो ये नाम है, ठीक है ना, किसी और के इक्वल हो फिर ये नाम नहीं होगा। क्लियर, स्पेशल दो केस है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। दो क्वेश्चन मैंने इस फाइल के अंदर ऐड किए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखोगे। और एंड थैंक यू सो मच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो धीरे धीरे सारी वीडियोस को कवर अप कर रहे हैं, गेट्स, मैशर्स एंड मेरिट सीकर्स, दोनों चैनल पे बहुत पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा मिलता लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही अल्टीमेट हर एक कंटेंट क्लियर किया, हर एक चीज, हर एक फाइल जो है वो सेव रख रहे हैं, हर लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए भी, वीडियोस को अच्छे से कवर करने के लिए भी, क्योंकि मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का मेन रीजन ही यही है, आप सभी का, जो इतनी कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप लोग लेक्चर्स को कवर अप कर रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छे से आ रहा है। तो चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे कहता है अनबायस्ड डाइज इज कौन, एक सिंपल क्वेश्चन है तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, है ना, एक अनबायस्ड कॉइन थ्रो किया जा रहा है, अनबायस्ड इन द सेंस जिसमें बायसनेस नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी by using binomial distribution, binomial distribution का यूज करके हमें ये सब probability निकालनी है, unbiased coin is 10 times, question है 10 बार एक coin throw किया गया, binomial distribution का यूज करना है और ये चार चीजें निकाल के दिखानी है। सबसे पहली चीज है exactly six head, सेकेंड है हमारे पास एटलीस्ट सिक्स हेड्स, नेक्स्ट है एटमोस्ट सिक्स हेड्स, और एटलीस्ट के अंदर है मेरे पास थ्री है या सिक्स है, एटलीस्ट थ्री हेड्स। लो जी, इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जान के क्वेश्चन लिख दिया, है ना, एडिट में क्वेश्चन शो नहीं करना पड़ेगा। चलो, अनवाइज कॉइन को थ्रो किया गया 10 बार थ्रो किया गया, क्या ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है? बिल्कुल हाँ। नंबर ऑफ द ट्रायल क्या स्मॉल है? देखो, आप ऐसा मत करना कि सर इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया। पॉइजन के क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सारे डिस्ट्रीब्यूशन के कर सकते हो, लेकिन
कितने नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट कितनी कैलकुलेशन करोगे। बाइनोमियल 10 टाइम्स थ्रो किया गया, एन नंबर ऑफ द ट्रायल स्मॉल आ गया, काउंटेबल आ गया। कॉइन थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सक्सेस इज 1/2, फेलियर इज 1/2, अप्रोक्सीमेट पास पास है ना। क्या कभी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी क्या? एक बार कॉइन टॉस किया, दूसरी बारी किया, 10 बार करता गया, क्या कभी ऐसा होगा हेड के आने की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए? विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दैट इज फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2। सबसे पहला केस मैं आपको ये बोलूं कि एक्चुअली में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पॉसिबल क्या है। हेड कितनी बारी आ सकता है? हेड 0 बार आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, 3, 4, 5, तो 0 से लेके 10 बार हेड आ सकता है। अगर ये अब ऐसा बोल रहा है, पहले केस के अंदर एग्जैक्ट 6 हेड आए, 6 हेड आए, तो ऐसे कितने केस बनेंगे सोचो ना। अगर मेरे पास 6 बार हेड आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 4 बार टेल आ रहे हैं, तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं? ये 6 हेड इधर भी हो सकते हैं, 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो कितनी चीजों को ऐड करते जाओगे, विच इज इम्पॉसिबल बाय मैन्युअली करना, इतना तो टाइम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल का। डेफिनेटली कर सकते हो बट करेंगे। अब यहाँ पे हमसे जो डिमांड कर रहा है वो किसकी डिमांड कर रहा है? एग्जैक्टली 6 सक्सेस आपको मिले, यानी कि R की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए? R की वैल्यू हो गई 6, R की वैल्यू 6, 6 सक्सेस मिलनी चाहिए। NCR, N कितना है 10, C, R कितना है 6, P raise to power यानी कि 1/2 raise to power सक्सेस, P यानी कि कितनी बार आ गया 6, और N minus R यानी कि 10 minus 6 is equal to 4। तो यहां पे मैंने वैल्यू ही तो पुट करी है बस, तो यही मेरा आंसर है। 10 से 6 का क्या मतलब हुआ? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और इधर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 रेस टू पार 10। अब थोड़ा सा सोल्व भी तो करना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 24 इंटू 1/2 रेस टू पार 10, तो यहां पे आ गया 8 3 24, 3 3 9, 7 21, 210 क्योंकि मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से मैं आपको सब लाइव क्लासेस के अंदर क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब देखो इसको रबी कर देते हैं यहां पे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है कि कम से कम 6 हेड हो। कम से कम 6 हेड होने का मतलब है 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। तो यहां पे क्या हो सकता है सेकेंड पार्ट में? कम से कम 6 हेड हो, यानी कि हमें क्या निकालना है? 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए। तो मेरे रेंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 6 या more than 6। तो इसमें क्या क्या काउंट होगा? इसमें x इज इक्वल टू 6 भी काउंट होगा, x इज इक्वल टू 7 भी काउंट होगा, x इज इक्वल टू 8 भी काउंट होगा, 9 भी काउंट होगा और 10 भी काउंट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 3 और 4 5, 5 आउटकम्स ऐड होने वाले हैं। इस केस में क्या होगा? 10c6, 1/2 raise to power 6, 1/2 raise to power 4, तो डायरेक्ट 1/2 raise to power 10 आ गया, प्लस 10c7, 1/2 raise to power 7, 1/2 raise to power 10 minus 7 3, तो ये भी यही बनेगा। करते करते 10c10, 1/2 raise to power 10, तो यही आएगा। तो अब 1/2 raise to power 10 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा? 10c6 प्लस 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। ठीक है, इस एक पार्ट को मैं सोल्व कर देता हूं, बाकी दोनों पार्ट आप खुद से ट्राई करना, मींस करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपका टास्क होगा। अब यहां पे क्या है,
दैट इज 101024। तो 10 से 6 तो अभी हमने निकाला ना, कितना आया 210 आया, तो 210 आ जाएगा। 10 से 7 आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल तो कट हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो 3 3 जा 3 2 जा और 2 4 जा, 4 3 जा 12, 120 आएगा। 10 से 8 का आंसर आएगा 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45। 10 से 9 निकाल लो, ये अपने पास आ जाएगा ओनली 10, और 10 से 10 आ जाएगा ओनली 1। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 210, 330 प्लस 40 370, 370 प्लस 10 380, 385, 386। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो थर्ड पार्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 सक्सेस हो, ज्यादा से ज्यादा 6 सक्सेस हो, मतलब हमें क्या निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 6 हो मतलब 6 से कम हो सकती है और 6 के इक्वल भी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, चलो 5 लिख दिया, 4 यहां पे और 6 यहां पे। तो इन सबको ऐड कर लोगे ना, ऐड कर लोगे सारे आंसर्स को। अब यहां पे एक शॉर्टकट भी लगा के जा सकते हो। देखो हमने क्या कर दिया, 6 और उससे ज्यादा वालों को 10 को निकाल दिया, तो बाकी बचे हुए कितने रह गए, 6 से पीछे वाले ये सारे 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना। होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 0 से लेके सॉरी 10 तक सभी का सम कितना होने वाला है, 1। तो अगर आप 6 से लेके 10 तक का सम निकाल चुके हो तो 0 से लेके 5 का कितना होगा, 0 से लेके 5 तक का, यानी कि 4 इधर ही आ गया ना, 0 से लेके 5 तक का कितना होगा, इसको 1 में से माइनस करके यहां लिख दो और इसका सॉल्व कर दो, ये रहा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 386 डिवाइड बाय 1024, और प्लस में पी ऑफ 6 का आंसर पड़ा ही है। जैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेशन इज योर टास्क, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपका टास्क है। तो ये सॉल्व होगा। अब एक छोटा सा केस आपको और समझाता हूं मैं, यहां पे एक चीज मैं चेंज करता हूं कि कम से कम इसकी जगह हम ऐसा लिख रहे हैं, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब इसके दो केस बनाएंगे, यानी कि दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को चला सकते हैं। वो कैसे चलाओगे देखो, अगर वो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आए, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। कम से कम एक हेड आने का मतलब है x की वैल्यू 0, 1 या 1 से बड़ी हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 करते 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 तक ऐड कर दो। मैं इसकी जगह ऐसा नहीं कर सकता क्या कि हेड आए ही ना, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये सारे 10 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम ही तो निकलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सबका सम क्या होता है, 1 होता है। समेशन ऑफ पी आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ऑल ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम वेरिएबल, और कितने हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। तो पी ऑफ 0 क्या होगा, यानी कि 10 सी 0, 1 बाय 2 रेस टू पार 0 और 1 बाय 2 रेस टू पार 10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सॉल्व कर लेना। तो आई होप आपको आज जो है वो क्वेश्चन समझ आए होंगे, टॉपिक समझ आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फाइल का लिंक मिल जाएगा, मुझे कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, किस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम कंपटीशन में बन सकते हैं, क्या मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया तो शेयर और लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।